डियर स्टूडेंट्स, माय नेम देवाराम प्रजापत। वेलकम टू आनंद इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस अवर टॉपिक क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस टॉपिक पर हम डिस्कस कर रहे थे, उसके अंदर हम जो इसमें लर्न कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, यानी कि खेती करने के लिए कौन कौन से स्टेप होते हैं, उसके अंदर हमने सबसे फर्स्ट हमारा प्लगिंग, जिसके अंदर सबसे पहले किसान जब खेती करता है तो सबसे पहले प्लगिंग करता है, अपने खेत को नरम बनाता है, उसकी जो मिट्टी होती है उसको उथल पुथल करता है, जो फर्स्ट स्टेप था हमारा प्लगिंग। सेकंड था इरिगेशन, सेकंड था सोविंग, यानी कि खेत को जोतने के बाद वो क्या करता है, सोविंग करता है, बीज बोता है। तो ये दो स्टेप हमने प्रीवियस वीडियो में इनको अच्छे से डिटेल से डिस्कस किया था। आज हमें जो डिस्कस कर रहे हैं वो उसका थर्ड पॉइंट है, प्रोवाइडिंग मैनर्स एंड फर्टिलाइजर। तो जिस तरह से हमने देखा कि जो दो स्टेप हमने किए थे उनमें हमने सबसे पहले तो किसान जो होता है वो खेत को जोतता है, उसकी मिट्टी को पोली बनाता है, सेकंड में सोविंग यानी बीज बोता है, अच्छी क्वालिटी का बीज बोता है, उसके बाद कुछ समय बाद जब फसल थोड़ी सी ज़मीन के अंदर से निकल कर तैयार होती है तो किसान जैसे ही उसकी फसल थोड़ी बड़ी हो जाती है तो किसान क्या करता है, प्रोवाइडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, यानी कि किसान अपने खेत में खाद और रासायनिक उर्वरक डालता है। आपने देखा होगा किसान जैसे ही खेत फसल बड़ी हो जाती है तो मार्केट में से या आसपास के जो गोबर गैस वगैरह होती है उनको खेतों में डालता है। इसका कारण क्या होता है, तो देखिए, प्रोवाइडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, खाद और उर्वरक देना टू मेंटेन द न्यूट्रिशन लेवल ऑफ सॉइल, मतलब जो मिट्टी का न्यूट्रिशन लेवल होता है सॉइल का उसको मेंटेन करने के लिए, और टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, और जो मिट्टी की फर्टिलिटी होती है, उर्वरक क्षमता होती है, उसकी उपजाऊपन यानी कि जो क्रॉप प्रोडक्शन की कैपेसिटी होती है उसको बढ़ाने के लिए, सम सबस्टेंस आर एडेड टू द सॉइल, इसके लिए कुछ सबस्टेंस उस मिट्टी के अंदर डाले जाते हैं। दीज आर कॉल्ड मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स, उनको हम मैन्योर्स या फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। मैन्योर्स मतलब खाद और उर्वरक। डिफरेंस बिटवीन मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, यानी कि ये जो दो शब्द दिख रहे हैं मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स, जिनका हिंदी मीनिंग होता है खाद और उर्वरक, ये दोनों है तो सेम, मतलब इनको भी दोनों को खेतों में डाला जाता है, पर इनमें डिफरेंस कुछ होते हैं। तो देखिए, डिफरेंस बिटवीन मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स के अंदर क्या डिफरेंस होते हैं। फर्स्ट है मैन्योर इज नेचुरल एंड बायोटिक, जो मैन्योर होता है, खाद होते हैं, वो नेचुरल होते हैं और बायोटिक होते हैं, बट वाइल फर्टिलाइजर्स आर सिंथेटिक, जबकि जो फर्टिलाइजर होते हैं वो कैसे होते हैं, सिंथेटिक, मैन मेड होते हैं, उनको फैक्ट्री में प्रिपेयर किया जाता है, बनाया जाता है। सेकेंड पॉइंट इसका होता है, इनके बीच में सेकेंड जो डिफरेंस होता है, नेचुरल मैन्योर आर काउडंक, यानी कि जो मैन्योर्स होते हैं वो नेचुरल होते हैं, जैसे काउ डंग यानी कि गोबर गैस, गाय या भैंस की जो डंग होती है वो मैन्योर, कंपोस्ट जिसे हम कंपोस्ट बोल सकते हैं, गोबर गैस बोल सकते हैं, एंड वर्मी कंपोस्ट और केचुए वगैरह, वर्मी कंपोस्ट जिसे हम बोलते हैं मैन्योर्स, वाइल फर्टिलाइजर आर प्रिपेयर इन फैक्ट्रीज, जबकि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, उर्वरक होते हैं, उनको फैक्ट्री में तैयार किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। एग्जाम्पल्स के लिए यूरिया, ये हमारा फर्टिलाइजर है, अमोनियम सल्फेट, ये भी एक प्रकार का फर्टिलाइजर है, सुपरफास्फेट एंड पोटास एक्सेट्रा, ये जो भी अभी हमने देखे हैं यूरिया, अमोनियम सल्फेट, ये सारे के सारे कहाँ पर बनते हैं, फैक्ट्री में, और इनकी ज़्यादा मात्रा अवेलेबल होती है। तो आजकल किसान क्या करते हैं, जो मैन्योर्स होते हैं इनका यूज कम करते हैं, और जो फर्टिलाइजर है उनको हाई लेवल पे अपने फील्ड के अंदर, अपने खेत के अंदर यूज करते हैं। नेक्स्ट है थर्ड डिफरेंस, कि थर्ड डिफरेंस मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स के बीच में क्या होता है, मैन्योर इज बेटर देन फर्टिलाइजर्स, तो जो मैन्योर्स होते हैं वो फर्टिलाइजर के कंपटीशन में ज़्यादा बेटर होते हैं। नेचुरल मैन्योर हैज मोर यूम्स, नेचुरल जो मैन्योर्स होते हैं, गाय भैंस की जो डस्ट डंग होती है वो ज़्यादा, उनके अंदर ज़्यादा होम्स होते हैं, एंड इट इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, और ये जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है, उसकी उर्वरक क्षमता होती है, उसकी क्रॉप को ज़्यादा बढ़ाने की कैपेसिटी होती है, उसको इंक्रीज करता है, वेयर फर्टिलाइजर लैक ह्यूमस, और फर्टिलाइजर के अंदर ह्यूम्स कम होते हैं, देयरफॉर बायो ह्यूमस शुड बी यूज मोर,
इसका अर्थ होता है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस जब हमने देखे तो इसका जो रिजल्ट ये होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो फर्टिलाइजर्स है, जो ज़्यादा से ज़्यादा बायो मैन्योर है, उनका यूज करना चाहिए, अपने खेतों में उनको ज़्यादा डालना चाहिए। तो इस तरह से हमने डिफरेंस बिटवीन मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स के बीच में डिफरेंस स्पष्ट किए। नेक्स्ट अब देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ बायो मैन्योर्स। अब जो हमने देखे कि मैन्योर्स और फर्टिलाइजर होते हैं, फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज नहीं करने चाहिए, जो मैन्योर्स होते हैं उनके क्या क्या यूज होते हैं, तो इनके बेनिफिट क्या होते हैं उनको देखते हैं। फर्स्ट है द मैन्योर्स इज मोर कैपेबल टू रिकॉग्नाइज द सॉइल, यानी कि जो मैन्योर्स होते हैं वो जो मिट्टी होती है किसान के खेत की, उसको रीऑर्गेनाइज करने में यानी कि उसको बनाने में ज़्यादा कैपेबल होते हैं, जबकि जो फर्टिलाइजर होते हैं वो ये काम नहीं कर सकते। सेकेंड है यूजफुल बैक्टीरिया ग्रोथ स्पीड अप इन द मैन्योर्स। जब हम खेत में मैन्योर्स का यूज करते हैं तो जो यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं जो मिट्टी के अंदर अवेलेबल होते हैं उनकी ग्रोथ उनसे ज़्यादा हो जाती है। इट कीप्स द सॉइल लूजेंट, ये जो मैन्योर्स होते हैं वो जो मिट्टी होती है उसको लूज रखते हैं। विच मेक द रूट रेस्पिरेशन ईजी, जिससे जो पौधा नया बनेगा उसकी जो जड़ें होगी उनको रेस्पिरेशन ढंग से हो सके। फोर्थ पॉइंट है बायो मैन्योर्स इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। जो बायो मैन्योर्स होते हैं, जो जैविक खाद होते हैं, वो क्या करते हैं जो वाटर सॉइल की जो वाटर कैपेसिटी है होल्डिंग रखने की, यानी कि जल की संग्रहण क्षमता जो मिट्टी की होती है उसकी, उसको ज़्यादा बढ़ा के रखते हैं। इस तरह से हमने प्रोवाइडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर इसको डिटेल में डिस्कस किया। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है फोर इरीगेशन। अब जैसे ही फसल बड़ी हो गई तो उसके अंदर किसान क्या करता है, खाद देता है और उसको बड़ी करता है। उसके बाद क्या करता है, जैसे ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो उसको सिंचाई की आवश्यकता होती है। जो बरसात के टाइम में तो क्या, चलो पानी अवेलेबल हो जाता है फसल को, तो नेक्स्ट किसान क्या करता है, इरीगेशन करता है यानी सिंचाई करता है। टू फिल फुल द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, यानी कि जो फसल होती है उसकी वाटर रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करने के लिए, उसको फिलफुल करने के लिए फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर वेरियस आर्टिफिशियल मीन्स, कई अलग अलग तरीक़ों से मीन्स इज कॉल्ड इरीगेशन, यानी कि जो फसल बड़ी हो गई उसकी जो वाटर रिक्वायरमेंट है उसको किसान के द्वारा समय समय पर कई तरीक़ों से जो पूरी की जाती है इज कॉल्ड इरीगेशन, उस सिस्टम को या उसको इरीगेशन बोलते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है इरीगेशन की। नेक्स्ट बेनिफिट टू द क्रॉप बाय इरीगेशन। अब इरीगेशन से क्या क्या बेनिफिट होते हैं तो नेक्स्ट डिस्कस। फॉर सीड जर्मिनेशन, जैसे ही इरीगेशन करेंगे तो सीड का जर्मिनेशन जो है, बीज का अंकुरण, वो इजी वे में हो जाएगा। सेकेंड है टू सप्लाई वाटर टू द लीव्स टू ट्रांसपिरेशन। इससे क्या होगा, जैसे हम सिंचाई करेंगे तो पानी उनकी जड़ों में आएगा और वो सीधा पानी वाटर की लीव तक जाएगा, जिसके जो लीव जो ट्रांसपिरेशन सिस्टम होता है वो इजी वे में हो जाएगा। थर्ड है थ्रो आउट वाटर न्यूट्रिशन रिच टू वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट्स। वाटर के द्वारा जो जड़ों के अंदर, मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिशन होते हैं वो पौधे के अलग अलग पार्ट तक इजी वे में पहुँच जाएंगे। इट हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। जो इरीगेशन होता है वो एक पौधे के वृद्धि और विकास, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं सोर्सेज ऑफ वाटर इरीगेशन। सोर्सेज ऑफ वाटर इरीगेशन मतलब जो सिंचाई होती है वो किन किन तरीकों से, किन किन सोर्सेज से होती है। तो आपने देखा होगा कि आजकल जो सोर्सेज होता है वो मेन होता है इलेक्ट्रिक पंप या डीजल पंप वगैरह, ये होते हैं। पर कुछ ऐसे भी होते हैं जिनसे इरीगेशन हो जाता है। एग्जांपल्स के लिए लाइक रिवर्स या नदियों से भी सिंचाई होती है, पॉन्ड्स तालाबों से सिंचाई होती है, वेल्स यानी कुएं और हैंडपम्प, इनसे भी हम सिंचाई कर सकते। ये जो भी हमने एग्जांपल दिए इससे क्या है कि एक फिक्स टाइम पे ही इरीगेशन हो सकती है, सिंचाई हो सकती है। जैसे बरसात के समय में ही रिवर्स या पॉन्ड्स वगैरह है इनसे हो सकती है, अब सूखा है उस समय इनसे इरीगेशन नहीं हो सकता। नेक्स्ट सोर्सेज ऑफ इरीगेशन। अब इरीगेशन के सोर्सेज कौन कौन से होते हैं तो इनके टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है ट्रेडिशनल सोर्सेज, यानी कि जो ट्रेडिशनल यानी परंपरा से हमारे चलते आ रहे वो सोर्सेज, और सेकेंड है मॉडर्न सोर्सेज जो
आधुनिक सोर्सेज कौन कौन से होते हैं। अब ट्रेडिशनल सोर्सेज का चलन आजकल कम हो गया है। अब उनमें एग्जाम्पल्स कौन कौन से है, जैसे चड़स, चड़स ये पहले ज़माने में यूज होता था, डेकली ये भी यूज होता था, रहट एंड मोट, ये ऐसे हैं जो आजकल लगभग बंद हो गए या इनका ज़्यादा यूज नहीं होता है। सेकेंड है मॉडर्न सोर्सेज, इनका ज़्यादा यूज होने लगा, जैसे ट्यूबवेल जो आजकल हमारे आसपास देखने को मिलते हैं, इलेक्ट्रिक पंप और डीजल पंप, ये इनसे कभी भी किसी भी समय इरिगेशन हो सकता है। नेक्स्ट मॉडर्न टेक्निक ऑफ इरिगेशन, अब मॉडर्न ये तो मॉडर्न सोर्सेज है, अब इनकी मॉडर्न टेक्निक कौन कौन सी है। फर्स्ट है स्प्रिंकलर सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम का मतलब है फुहारा सिस्टम, यानी कि आपने देखा होगा कि खेतों के अंदर फुहारा लगा देते हैं, उससे पानी हर जगह एक स्थान से कहीं पर भी जा सकता है। अनलेवल लैंड, अनलेवल लैंड मतलब जो असमतल भूमि है वहाँ पे किस सिस्टम से इरिगेशन होता है, स्प्रिंकलर सिस्टम। और सेकेंड होता है ड्रिप सिस्टम, यानी कि बूंद बूंद कि ज़्यादा मात्रा में फसल है और वहाँ पे बहुत कम पानी है तो किस सिस्टम से इरिगेशन करते हैं, ड्रिप सिस्टम से, इवन लैंड जहाँ समतल भूमि है। अब है हम इसका जो नेक्स्ट सिस्टम लेते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स, मतलब अब जैसे ही सिंचाई वगैरह की तो फसल बड़ी हो जाएगी, उसके ऊपर फसल पक जाएगी, तो अब क्या करेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि उस फसल की रक्षा करनी पड़ेगी, सुरक्षा करनी पड़ेगी। तो हम किस तरह से उनकी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो इस नेक्स्ट स्टेप में हम इसको डिस्कस करते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स यानी कि फसल की रक्षा करना, ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस इरिगेशन के बाद में द फार्मर हैज टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स, जैसे इरिगेशन किया फसल बड़ी हो गई तो किसान के पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स यूज होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, जिसके अंदर फर्स्ट होता है वीड्स, जैसे जिसे हम खरपतवार बोलते हैं, अनवांटेड प्लांट, अब जैसे फसल बड़ी हो जाती है तो किसान के खेत में बहुत सारे अनचाहने वाले, यानी कि जिसे हम खरपतवार बोलते हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं वो उग जाते हैं। सेकेंड है नेचुरल डायस्टर, नेचुरल डायस्टर का मतलब होता है प्राकृतिक आपदाएं, जैसे आपने देखा होगा कि अभी कुछ समय पहले टिड्डी दल का हमला हुआ था, तो किसानों की जो खेत में फसल खड़ी थी वो पूरी की पूरी टिड्डी दल ने चौपट कर ली। तो इसमें कौन कौन से होते हैं, जैसे फ्लूड यानी कि बाढ़, ड्रॉप यानी सूखा, कोल्ड यानी कि ज़्यादा सर्दी, या जैसे ओले वगैरह गिरना, ये सब हो सकता है, फायर यानी आग, जैसे किसान के खेत में फसल खड़ी और आग वगैरह लग जाए, तो ये नेचुरल डिजास्टर है। थर्ड है डिजीज कॉज्ड बाय इंसेक्ट, कई प्रकार की फसल के अंदर बीमारियां लग जाती है, जैसे इंसेक्ट यानी कीटों के द्वारा, फंगस, और फंगस भी लग सकती है, बैक्टीरिया और वायरस, बैक्टीरिया और वायरस भी किसान के खेत में लग सकते हैं। एनिमल्स, और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये होता है कि एनिमल्स जो बड़े जानवर होते हैं वो रात में जब किसान घर पे चला जाता है तो पीछे से वो अंदर खेत में जाते हैं और फसल नुकसान कर सकते हैं। तो ये तो हार्म ऑफ क्रॉप जो फसल को नुकसान पहुँचाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम। ये वीडियो